हाई माई क्यूटीज, दिस इज टीचर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और थंबनेल लिख के आप समझ ही गए होंगे, इट्स गोना बी ह्यूज लिस्ट फॉर हॉल, बट विथ सम ट्विस्ट आई एडेड फ्यू डिजाइनर पीसेस ऑल्सो अंडर 300 रुपीज, सो इट्स गोना बी रियली क्रेजी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अच्छा, तो इसके पहले भी मैंने एक और वॉच हॉल किया था फ्रॉम मीशो एंड यू गाइस लव्ड इट। सो आई थॉट कि अपकमिंग फेस्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आई शुड पिक अप सम पर्ल्स, डायमंड, शाइन स्टोन, सो दैट उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ अंडर 300 होने वाला है। सो फर्स्ट है हमारे पास ये ब्यूटीफुल सी पर्ल वॉच। इसका क्लोजअप देखना, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड क्लासी। मतलब आपके किसी भी वाइट या न्यूड आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगी। चलती हुई कंडीशन में रिसीव हुई है विदाउट एनी डैमेज। गोल्ड एंड पर्ल वाले डिटेलिंग देके रखी है। मुझे इसका डायल बहुत अच्छा लगा, क्यूट सी छोटू सा है और बहुत ही सी डेंटी और विंटेज सी वाइब थी। तो इफ़ यू वांट टू गिव टू योर मॉम, और आपको कुछ ऐसे विंटेज वाइब वाली चीज़ें पसंद है ना, दिस विल बी द परफेक्ट फॉर यू। और इसका प्राइस है सिर्फ 281 रुपीज़। सो दिस इज मस्ट ट्राई यार, दिस फेस्टिव सीजन मस्ट ट्राई। नेक्स्ट वॉच आई एम गोइंग टू शो यू, इट्स इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ऐसे डेलिकेट सा है और डेंटी सा है, लुक एट दिस। और ये पहनने के बाद इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, माय गॉड। और मैंने सर्च किया तो ये किसी स्विस ब्रांड की वॉच का ड्यूप है, जो कि मैंने मिंत्रा पे देखा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे या यहाँ पे। और उसका प्राइस है 4,500 अराउंड, बट ये मुझे रिसीव हुई है सिर्फ और सिर्फ 273 रुपये में। कैन यू इमेजिन द लेयरिंग। और जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका डायल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, शिमरी टाइप का था। सो अभी के आपके फैसिलिटीज़ के लिए दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और आप इसे डेली ऑफिस वेयर वगैरह में भी पहन सकते हो टू एड एन एलिमेंट टू योर आउटफिट, बिकॉज इट्स टू मच थिंग इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, इट लुक्स रियली शीक एंड क्लासी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम दिस हॉल, ट्रस्ट मी। सो नेक्स्ट वॉच वी हैव विद दिस ब्लैक डायल एंड फुल ऑन डायमंड वाली डिटेलिंग के साथ। ओ माई गॉड, द क्वालिटी वॉज सो शीक एंड वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। प्लस इसमें एक और एडिशनल फंक्शनलिटी है, ये टच स्क्रीन वॉच है। इसमें ज़्यादा कुछ फीचर तो नहीं है, सिर्फ आपको टाइम दिखाएगी। उसके अलावा लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह तो नहीं है, बट इसका प्राइस था 249 रुपीज़। और उसमें क्या चाहिए यार, अगर ये चलती नहीं भी होती ना, लुक के लिए मैं इसे रख लेती। इसका जो डायल का साइज़ है, स्ट्रैप की डिटेलिंग है और जो क्वालिटी है ना, इट्स जस्ट वाओ। इसके पहले वाले हॉल में भी मैंने एक गोल्डन वॉच ली थी टच स्क्रीन, उसका डायल थोड़ा बड़ा लगा मुझे, बट ये मेरे रिस्ट के साइज़ के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। सो ये तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ, लाइक मेरे किसी भी इंडो वेस्टर्न या फिर एथनिक वेयर के साथ ये बहुत अच्छे से जाने वाली है और मेरे लुक को इन्हांस कर देगी, वो भी सिर्फ 249 रुपीज़ में। तो और क्या ही चाहिए यार। अरे हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, जो टच स्क्रीन वॉच है ना उसका ओरिजिनल वर्जन है फॉसिल का, और उसका प्राइस है 1700 या 2000 के बीच में। तो आप उसके फीचर्स चेक कर सकते हो अगर आपके बजट में है तो। बाय द ओरिजिनल वन आपको वारंटी वगैरह मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्लासी पीस है। तो अगर आप ओरिजिनल में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, डेफिनेटली गो फॉर दैट। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, फोटो भी लगा दूंगी, तो यू कैन मैच। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट वॉच। सो ये जिसकी कलाई बहुत दुबली पतली सी है, स्कूल या कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह, उनको कुछ डेंटी विंटेज सा चाहिए ना, यू कैन गेट दिस वन। इसका डायल बहुत छोटू और क्यूट सी सा है, डेली वेयर में आप पहन सकते हो, बहुत लाइट वेट है। प्लस इस पर जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना वो बहुत ही सही लग रही है, और डायल पे भी आपको डायमंड्स मिल जाएंगे और फिर फ्लावर्स पे भी डायमंड की डिटेलिंग मिल जाएगी। प्राइस इसका था सिर्फ 136 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, अगर आपको लाइक बहुत ही कम बजट में कुछ चाहिए ना, तो आप ले लेना बिल्कुल, बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है अमेजिंग है। चलती हुई कंडीशन में रिसीव हुई है और मुझे लग नहीं रहा कि टार्निश होने वाली है, बिकॉज मैंने इसे लोकल रोज गोल्ड में और भी वॉचेस ली थी मीशो से, एक दो जो रखी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उनको। तो आप बिल्कुल ले सकते हो, इसमें एक दो कलर ऑप्शंस और मिल जाएंगे, ब्लैक और पीच वगैरह था। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, आपको जो भी पसंद आए गेट।
सो नेक्स्ट हमारे पास है ये स्क्रंची वॉच। यार स्क्रंचीज कहाँ ट्रेंड में नहीं चल रही है, बालों में लगाओ, हाथों में पहनो, अब तो वॉचेस पे भी आ गई है। तो इसका काफी ऐसे ब्रेसलेट और गर्लिश काइंड लुक था। अगर आपको ऐसे कुछ तो फंकी सा चाहिए तो आप ये ले सकते हो डेफिनेटली। इसका डायल मतलब काफी शीक है, एट द सेम टाइम स्क्रंची उसको काफी डिफरेंट सा लुक दे रही है। इसमें दो तीन कलर ऑप्शन और अवेलेबल थे और इसका प्राइस था 148 रुपीज़ ओनली। तो आपको 150 रुपये के अंदर ये वॉच मिल रही है। वॉच के स्क्रंची का प्राइस ही लाइक 40-50 रुपये की तो आपको स्क्रंची ही मिलती है। तो ये आपको सेटिन के फैब्रिक में मिल जाएगा। ऑल दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस स्टिचिंग, इसकी मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा वाओ नहीं लगी, बट आपको अंडर अ बजट यू वॉन्ट समथिंग यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन, बिकॉज इसका डायल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। और मेरी आदत है कि मैं वॉच के स्ट्रैप से ज़्यादा मैं डायल की डिटेलिंग देखती हूँ, बिकॉज फ्रंट साइड से ना आपका डायल ही विजिबल होता है। तो अगर वो अच्छा लुक वाला हो ना तो देखना आपकी वॉच अच्छी ही लगेगी। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रैप इधर उधर भी हुआ ना तो आपकी वॉच का लुक काफ़ी अच्छा आता है। सो इट्स वन ऑफ देम। और इसमें आप हो सकता है मुझे थोड़ा लाइक डैमेज पीस रिसीव हुआ हो, और अगर आप खरीदो तो आपको अच्छा रिसीव होगा, क्वाइट पॉसिबल। मीशो पे ये सब बहुत होता है। तो आप देखना इसमें जो भी कलर ऑप्शन है लाइक वाइट, लैवेंडर, पीच, ऐसे 3-4 कलर्स थे। आई डोंट नो मतलब मैंने क्या सोच के इतना बोल्ड कलर खरीद लिया। तो मैं इसको आई थिंक अपने किसी ऐसे मैंने कुछ लाइट कलर का आउटफिट पहना है और उसमें मुझे कुछ ऐसे बोल्ड एलिमेंट डालना है तो आई कैन वेयर सम दिस वॉच, मे बी दैट टाइम आई कैन स्टाइल इट। बट आप पहनने पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लग रही थी। और क्या बोलूँ मतलब, हाँ अच्छी है, सस्ती है, सुंदर है, टिकाऊ है, और क्या ही चाहिए। सो इसी के साथ ही दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि बॉक्सेस तो इतने सारे बताए थे और सिर्फ 5-6 घड़ियाँ दिखा दी। सो मैं उसका पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। सो आई थॉट आप लोग भी बोर हो जाओगे, सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। उसके लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट वरी अबाउट द लिंक्स। सारे ही प्रोडक्ट्स और उनका जो ओरिजिनल वर्जन है उन सबका लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये हॉल कैसा लगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू ट्राई समथिंग न्यू let me know that, and I'll see you next time. Till then, bye bye, take care.